दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दीपक पेट सर्वर में। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को शेयर करके मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला था कि लब्बड़ को इस मौसम में सॉफ्ट फूड नहीं देना चाहिए। बरसात के मौसम में, अभी जो बरसात चल रही है, इस मौसम में सॉफ्ट फूड नहीं देना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट फूड खिलाने से बर्ड में काफ़ी तरह की बीमारियां आ जाती हैं। सूखे की बीमारी, लूज मोशन की बीमारी, आई इन्फेक्शन भी इसी समय में होता है। और दूसरी बात, अपने केज को आप जो जाली है ना, जाली पर जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब बर्ड की चोंच पर दाना चिपक जाता है, उसके बाद बर्ड चोंच या आँख जाली पर जब रगड़ेगा और उसमें जंग होगी तो आई इन्फेक्शन ज़रूर होगा। तो मैंने कहा था कि सॉफ्ट फूड, कल ही वीडियो बनाई थी, कल का ये सॉफ्ट फूड रखा हुआ है। और अब आप पूछेंगे हमको खिलाना क्या है। भाई, सीड मिक्स खिलाइए थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत सीड मिक्स खिलाने के बाद आप इस तरह का सॉफ्ट फूड खिला सकते हैं। ये वाला देख लीजिए, मैंने इसमें बना के रखा है। भुंटिया है, गाजर है, बीन्स है, इसमें आप थोड़ा सा पालक ऐड कर सकते हैं, है ना, पत्ता गोभी ऐड कर सकते हैं, फूल गोभी ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च है, चुकंदर है, ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं आज ये दे रहा हूँ, कल दूसरा, परसों तीसरा, इस तरह से मैं अलग अलग तरह का सॉफ्ट फूड देता हूँ। इससे ये है, इसमें देखो, एक तो कोई नमी नहीं है किसी भी तरह की, बिल्कुल सूखा है ये, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 घंटे बाद मैं अपने केस से बाहर हटा दूँगा। और अधिकतर आपको ऐसा ही करना चाहिए, कोई भी सॉफ्ट फूड आप खिला रहे हैं उसको 2 या 4 घंटे में या 5 घंटे में बर्ड के पास से हटा देना चाहिए, फिर वो बेकार हो जाता है। उसके बाद उसको फेंक के आप दूसरा कोई चीज़ उसको दे सकते हैं। हाँ, माना कि सीड मिक्स भी अच्छा होता है, लेकिन सीड मिक्स में हर चीज़ ऑयली होती है, वो इतनी विटामिन, इतना कैल्शियम नहीं दे पाते ना। आप अगर खिलाना चाहते हैं कि अब मैं स्प्राउट खिलाना चाहता हूँ, बनाइए स्प्राउट बनाकर, और वो वीडियो में मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा कि स्प्राउट किस तरह से तैयार किया जाता है, वो भी मैं लिंक दे दूँगा। एक स्प्राउट मेकर आता है, उससे भी आप बना सकते हैं, वरना दाल और चने को आप कपड़े में भिगा कर रख दीजिए, फिर भी वो किल्ले फोड़ जाते हैं, ठीक है। तो फिर आप कोई भी, जैसे कि वो खिलाना चाहते हैं आप सॉफ्ट फूड, तो उसको आप धो लीजिए, धो करके किसी भी सूती कपड़े पर या फिर किसी अखबार पर रख दीजिए 5 मिनट को, ताकि वो उसके अंदर का जितना भी पानी है, या टिश्यू पेपर हो उस पर बिछा दीजिए, जो भी पानी, नमी होती है उसकी, वो उसको खींच ले, बाहर निकाल ले बिल्कुल, तो फिर आप उसको वो खिला सकते हैं। मैंने वैसे जो भी मैं अपने 12-14 साल से जो करता आ रहा हूँ, वो यही करता आ रहा हूँ कि मैं इस मौसम में, बरसात के मौसम में, लब्बड़ को सॉफ्ट फूड नहीं देता हूँ, बस ऐसा ही फूड देता हूँ जो भी है, सूखा वाला एकदम, और सीड मिक्स रख देता हूँ, सीड मिक्स भी अच्छी तरह से खाते हैं। तो अब हमारा टाइम आ गया है कि हम इस पूरे केज का दाना पानी सब कुछ बदलेंगे। ये बर्ड तैयार बैठे हैं खाने के लिए, सब एकदम एक्टिव। तो भाइयों, छोटी सी यही वीडियो है, आप अपने बर्ड को बरसात से बचाएं। बरसात जब भी हो तो उसको ठंडी हवाएं नहीं लगनी चाहिए, जो ठंडी हवा चलती है ना, वो भी डायरेक्ट नहीं लगनी चाहिए। और इस समय पूरा केज आप कवर भी ना करें। मैंने देखो, वहाँ से इसको खुला रखा है, इधर से इसको खुला रखा है, यहाँ से हवा आएगी पूरे घूमती हुई, उधर निकल जाएगी, ये पूरा एरिया खुला रहता है, बरसात वगैरह होती है तो बाहर, वो वाला कूलर जो है वो अभी इस तरफ हो जाएगा, फिर लाइट आएगी, फिर चलने लगेगा। तो जितनी भी उमस और भवक जो बनती है इस सीज़न में, बरसात के और गर्मी के मौसम में जो मिक्स होके जब भपका जो बनता है ना, उससे बहुत घुटन जैसी महसूस होती है, और वही बर्ड को नुकसान कर देती है। वो घुटन नहीं होनी चाहिए, आप एक एडजस्ट फैन लगा सकते हैं उस साइड में, ताकि जो अंदर की गर्मी है वो भी बाहर निकल सके, भपका नहीं होना चाहिए। इस समय देख लीजिए, ये ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, क्योंकि सीलन है भाई, ह्यूमिडिटी तो कोई, आप ज़्यादा ही VIP केज अगर कमरा आप देंगे तभी हो सकता है, ऐसी कॉलोनी में ह्यूमिडिटी कंट्रोल इस समय में कम नहीं होती है। मैंने काफ़ी कुछ करके देख लिया, क्योंकि चारों तरफ से दीवारें गीली हैं, फर्श भी गीला हो जाता है, ऊपर से भी पानी, इधर से भी पानी, और हवा में भी नमी होती है, इसीलिए ये ह्यूमिडिटी थोड़ी ऊपर नीचे होती है। वो भी आप जितना
कर सकें उतना करें, उसको कम से कम करके रखें, 60-65-70-75 होनी चाहिए। तो फ्रेंड यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सॉफ्ट फूड अगर खिलाना चाहते हैं, भाई मैं नहीं खिलाता हूँ, मैंने अपना जो राय थी मैंने आपको वीडियो में बता दिया, मैं नहीं खिलाता हूँ, और खिलाता भी हूँ तो इस तरह का सॉफ्ट फूड खिलाता हूँ, आप फिर से देख लीजिए। इसी तरह का आप खिलाएं, अपने बर्ड को हेल्थी रखें, ब्रीड के लिए तैयार करें, तो उसे सॉफ्ट फूड और या फिर स्प्राउट जो भी दें वो सुखाकर पानी से, पानी की नमी उसमें ख़त्म करके अच्छी तरह से सुखाकर तब दें। अभी देखो ये ब्रीडिंग के मूड में है, ये जोड़ा ये ब्रीड मेटिंग करने के चक्कर में है, और ये देखो नेस्टिंग मैंने रखी थी, इन्होंने इसमें थोड़ी बहुत काटी है, इसमें से काटी है और उसमें से काट ली है, ठीक है, और इनको भी मैंने नेस्टिंग दे दी, सबको नेस्टिंग दे दी है, सब कहें खाएँ, अब दाना पानी खा के बस नेस्टिंग पे ही लगने का इनका नंबर है। तो फ्रेंड ये एक छोटी सी वीडियो है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, अपने बर्ड का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अच्छी अच्छी ब्रीड आप बर्ड से लें।